रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेनी लोग अपने देश को बचाने के लिए रूसी सेना से लगातार लोहा ले रहे हैं, तो वहीं इस जंग के मैदान के बीच हजारों भारतीय लोग यूक्रेन में भी फंसे हुए हैं और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं, जिसको लेकर भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया है और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लगातार लाया जा रहा है। इस पर खास रिपोर्ट आप हमारी देखें। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें उस यूक्रेन की हैं जो जंग की आग में जल रहा है। ये तस्वीरें उस यूक्रेन की हैं जो अपने देश की रक्षा, अपनी आजादी, अपनी हक के लिए रूस की सेना से लड़ाई लड़ रहा है। युद्ध भले ही रूस और यूक्रेन के बीच लड़ा जा रहा हो, लेकिन इससे पूरे विश्व की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। भारत के साथ विश्व के कई देशों के बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। युद्ध का क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि इन बच्चों के भविष्य पर अंधकार की तलवार लटक रही है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 5 दिनों से जंग जारी है। जंग की इस आग में पूरा यूक्रेन जल रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने लोगों और अपने देश की रक्षा के लिए अपनी सेना के साथ इस जंग के मैदान में खड़े हैं और रूसी सेना का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इस जंग के बीच कई हजारों भारतीय नागरिक हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें उस विशेष फ्लाइट की हैं, ऑपरेशन गंगा की हैं, जिसके जरिए भारत सरकार अपने नागरिकों को वापस वतन लेकर आ रही है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये छात्र छात्राएं भारत के अलग अलग राज्यों से आते हैं, जो MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए थे, लेकिन जंग के बाद वहां फंसे हुए हैं। भारत सरकार की तरफ से रविवार को विशेष फ्लाइट के जरिए 160 से ज्यादा छात्रों की वापसी हुई थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के कुल 3 से ज्यादा छात्र भी शामिल थे। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट जब यूक्रेन से लौटे छात्रों की फ्लाइट लैंड हुई, तो जनता टीवी के संवाददाता अंकुश डोभाल ने यूक्रेन से लौटी हिमाचल के यूना की रहने वाली कोमल से बातचीत की। कोमल ने बताया कि कैसे जंग के बीच उनकी वतन वापसी हुई। ऑपरेशन गंगा के तहत तेजी से बच्चों को भारत लाने का काम किया जा रहा है और अभी जो फ्लाइट दिल्ली यहां पर पहुंची है उसमें हिमाचल प्रदेश के कुल 4 विद्यार्थी शामिल हैं, उसमें से एक छात्रा भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहां से हैं? मेरा नाम कोमल कुमारी है, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट उन्ना की रहने वाली हूं। आप यूक्रेन में कौन सी सिटी में थी, सबसे पहले आप ये बताइए। मैं यूक्रेन में इवानो फ्रैंकविस्ट में थी, मैं 3rd ईयर में हूँ, मेडिकल स्टूडेंट। तो अभी कैसी स्थिति वहाँ पर है और अभी आपको भारत आकर कैसा महसूस हो रहा है? भारत आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ सिचुएशन मान लो कि बहुत बुरी है कह सकते हैं, क्योंकि अभी मतलब अलग अलग बॉर्डर जैसे खोल रखे हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारे इवानों के लिए रोमानिया बॉर्डर खोल रखा था, तो मैक्सिमम जो इवानों के स्टूडेंट हैं वो सारे रोमानिया में ही हैं, तो अभी थोड़ी देर के लिए बॉर्डर खुल रहा है तो वही बच्चे आ जा पा रहे हैं, तो बहुत भीड़ है वहाँ। ज़्यादा खुशी किस चीज़ की, यूक्रेन छोड़ने की या भारत आने की? भारत आने की। यूक्रेन में भी हाँ है कि रुक जाना चाहिए जो भी है, क्योंकि वहाँ भी कई लोग हैं, तो मैं तो यही बोलती हूँ कि वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन। भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा के तहत कई भारतीय छात्रों को वापस सुरक्षित वतन लाया गया है, जिसमें अब तक हिमाचल प्रदेश के कुल 35 से ज्यादा छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी हुई है। तो वहीं सुरक्षित भारत लौटने के बाद छात्रों ने PM मोदी और CM जयराम ठाकुर का धन्यवाद किया। हमारे साथ यूक्रेन से भारत लौट रहे, अपने वतन लौट रहे कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैम कहाँ से हैं आप? किस तरह का माहौल वहाँ पर बना हुआ है, किस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी है? एक्चुअली इस टाइम जो वहाँ का ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे तो इस टाइम काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशंस है कि वो थार्केव में वहाँ के स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हम लोग वेस्टर्न रीजन में, हम चन्नीविच्ची से, तो हमारी जगह पे इतना कोई क्यूज नहीं था, बट स्टिल वी वर द फर्स्ट टू बी इवैक्यूएटेड क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी है, तो इसके बाद सर मैं तो जैसे फर्स्ट इवैक्यूएटेड पर्सन थी वहाँ पे, मतलब जो फर्स्ट इवैक्यूएशन में मेरा नाम था, तो मेरे को तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था वैसे। हमें बस ऐसा था कि बॉर्डर पे टाइम लगा था बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। जो सेकंड इवैक्यूएटेड बच्चे थे उनके लिए थोड़ी ज़्यादा इशू थे, और अब जो एक्स्ट्रा और जो थर्ड फोर्थ इवैक्यूएटेड बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा
इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं इस टाइम पे, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे, अभी ऐसा कहा जा रहा है कि बॉर्डर पे अराउंड 3000 बच्चे जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। बहरहाल केंद्र सरकार की तरफ से अपने लोगों की वतन वापसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकी से नजर बनाए हैं और लगातार बैठक कर जल्द से जल्द भारतीयों की वतन वापसी के लिए मंत्रियों के साथ मंथन कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कोशिश है अपनों को अपनों से मिलाने की, इसके लिए सरकार भी तेजी से प्रयास कर रही है, लेकिन जरूरत है इन प्रयासों में और ज्यादा तेजी लाने की, ताकि जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द वापस आ सके। भारतीय तो चाहे देर सवेर वापस वतन भी लौट आएंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो अपनों को छोड़ रहे हैं, अपना वतन छोड़ रहे हैं। दर्द कई है, दुख कई है, इसलिए कहा भी जाता है कि समाधान नहीं है किसी भी मसले का युद्ध, इसलिए खुद ईश्वर भी रहते हैं इससे क्रुद्ध। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली।